हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको 2023। पिकनिक मनाते समय हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं देखिए दोस्तों, ये देखिए सहदेव बाबू कहाँ से आ रहे हैं। क्या आ गए दोस्तों, पूरा इलाका हम लोग थोड़ा सा जंगल का भी मजा लेना जरूरी है, तो हम लोग जंगल का मजा लेके आ गए। इधर हाथी का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन हम लोग का किस्मत अच्छा है, हाथी नहीं मिला। बस हम लोग घूम के आ गए हैं, वही बहुत अच्छा है। देखिए कढ़ाई में वहाँ पर सरफ लगाया जा रहा है ताकि उसको सफाई करने में दिक्कत ना हो, और इधर प्याज भी कटिंग हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो का एंड तक देखिए, आज मजा आने वाला है। चिकन को काटा जा रहा है, मुर्गा को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है द्वारा। अब ये बनेगा, चाहो कढ़ाई गरम हो गया है, अब सरसों तेल डाला जा रहा है इसमें। सरसों तेल डालो भाई लक्ष्मण भाई, देखिए और थोड़ा डालिए, बस 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 हो जाएगा। तेल को अच्छे से गरम करेंगे पहले। तेल गरम हो गया है, अब इसमें कुछ खड़ा गरम मसाला दिया जा रहा है, तेजपत्ता। अब इसमें डलाएगा प्याज, प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। दो किलो चिकन है, दो किलो नहीं दोस्तों 3 किलो चिकन है। अब इसमें मसाला डालेंगे हम लोग, हल्दी पाउडर, देखिए काली मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये मिक्स मसाला, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भर के देंगे। ये वाला इसी कलर के लिए डालते हैं दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा सरसों तेल, और लास्ट में जाएगा दही। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे एकदम बढ़िया से, और एकदम स्पाइसी चिकन बनाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और सबसे अंतिम में जाएगा नमक। चले लक्ष्मण बाबू मिलाइए इसको बढ़िया से, मिला रहे हैं, एकदम मस्त बनाना है इसको आज। चलिए अभी नमक इतने ही डालते हैं, बाद में देखा जाएगा। बढ़िया से अंदर से मिलाइए इसको, और इधर देखिए ये लोग अपना अपना काम में सब व्यस्त है। लहसुन छील रहे हैं, सलाद कटिंग हो रहा है, देखिए अदरक, अदरक छिला जा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग पिकनिक करने तो आए हैं, आज बहुत ही एंजॉय करेंगे हम लोग। पार का नज़ारा आपको दिखाते हैं, देखिए सूरज तो उगा हुआ है लेकिन थोड़ा आसमान में बादल है। पहला जनवरी के दिन ऐसा रहता ही है दोस्तों, देखिए सब काम हो रहा है। अदरक और लहसुन को कूटा जा रहा है। अनिल जी, अदरक और लहसुन को कूटा जा रहा है, आदी और लहसुन को बढ़िया से पेस्ट बनाना है कूट के। अच्छा, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार सहदेव बाबू क्या हो रहा है?
लहसुन छिला जा रहा है। लहसुन छिला जा रहा है। इधर चिकन को अच्छी तरह से मिलाया जा चुका है। अब थोड़ा सा रख देंगे इसको मेल्ट होने के लिए। प्याज का कलर चेंज हो गया है। प्याज बढ़िया तरह से फ्राई हो गया है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हम लोग, क्या डाला जाएगा लहसुन को इसमें? मिर्ची डालिए, अदरक डालिए। डालिए भले, डालिए मिर्ची, डालिए हरी मिर्च डाला जा रहा है। अब इसमें लहसुन डालिए। लहसुन को दरदरा करके डाला जा रहा है ना, तब इसमें बढ़िया टेस्ट बनेगा। तेज पत्ता डाले थे? हाँ जी, तेज पत्ता नहीं डालेगा तो कैसे बनेगा तब? ये अदरक, अदरक चलिए अदरक भी डाला गया। लहसुन का तो और जरूरत नहीं है ना? ना, हो गया हो गया, इसी में हो जाएगा। कुछ देर और इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको चिकन को डाला जा रहा है इसमें। डालिए लहसुन बाबू, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इसको पूरी तरह से डाला गया है। अब इसको फ्राई किया जाएगा बढ़िया से। बढ़िया से फ्राई कीजिए। अब इसको बढ़िया से फ्राई किया जाएगा। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, एकदम गजब का खुशबू आ रहा है। अब इसको हम ढक देंगे कुछ देर के लिए। चलिए इसको ढक देते हैं। 15 मिनट हो गया है दोस्तों। अब इसको खोल कर देखते हैं। अब इसको चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे। बहुत धुआं लग रहा है जी। चिकन को 1 घंटा फ्राई कर लिए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। चलिए इतने ही डालेंगे। सभी दोस्तों के लिए एक बार पार्टी बनाइएगा इस तरीके से, मज़ा आ जाएगा खाने में। चिकन और चावल रहेगा हम लोग का आज। दोस्तों चिकन फ्राई हो गया है, अब हम लोग मज़े से खाएंगे। चलिए अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा मिला देंगे। MDH का मीट मसाला डालेंगे इसको और बेहतरीन बनाने के लिए। दोनों मीट मसाला डाल दिए। एक बार इसको चला देंगे और बढ़िया से। दोस्तों आज जनवरी का पहला दिन है, आज हम लोग पिकनिक मना रहे हैं सभी दोस्तों को मिला करके। तो चिकन हम लोग का ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग उतार देंगे। ये देखिए चिकन बनकर तैयार हो गया है, बहुत सारा चिकन हो गया है दोस्तों। हम लोग 4 आदमी है और 3 किलो हम लोग का चिकन है। हम लोग खाने सकेंगे कि नहीं सकेंगे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और चावल भी बनेगा साथ में और सलाद भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चावल को चढ़ा देते हैं। अब चावल के लिए हंडी चढ़ा देते हैं, चावल बनाएंगे इसमें। चावल को हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा से फुला लिए हैं, तो चावल जल्दी बन जाएगा तो बढ़िया है। खा के हम लोग अपना घर चले जाएंगे दोस्तों। पानी गर्म हो गया है दोस्तों, अब इसमें पानी चावल डाल देंगे। चावल को हमने फुला के रखे थे पहले से, चावल को डाल देंगे। चावल डाल दिए हैं, अब इसमें ढक्कन लगा करके इसको हम भात बनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, देखिएगा। चावल बन गया है दोस्तों, अब हम लोग इसको उतार लेंगे और पानी को निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों उतार के हम लोग पानी को निकाल लेते हैं। देखिए
का पानी हम लोग निकाल रहे हैं। ये देखिए लक्ष्मण जी कहाँ जा रहे हैं फोन में बात करते हुए। ये चारों तरफ का नजारा देखिए, हम लोग चार आदमी आए हैं, चार को बाइक लेकर के दोस्तों। अब देख सकते हैं चारों तरफ का नजारा, जहाँ पर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं वहाँ का नजारा देखिए। भात बनकर रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया, अब खाया जाएगा। हाँ चलिए दोस्तों, चावल रेडी हो गया है, अब हम लोग खाएंगे। पिकनिक का यही असली मजा है दोस्तों, सभी दोस्त मिलकर के खाएंगे अब हम लोग। चावल और चिकन बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए अनिल जी बैठे हुए हैं, चिकन दिया जा रहा है। पिकनिक में आज मजा आ गया दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ चावल और चिकन और सलाद भरपेट हम लोग खाएं, मजे से खाएं। ये देख सकते हैं चिकन बहुत मस्त बना हुआ है आज, मेरे गोपाल भैया बनाए हुए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार रहा हम लोग का दिन आज। 1 जनवरी का दिन है आज, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किए हम लोग, पिकनिक के लिए आए हुए हैं, इंजॉय किए, दिन बहुत बढ़िया गुजरा दोस्तों। चिकन और चावल बहुत ही बेहतरीन बना है, इस तरीके से बना करके एक बार जरूर खा के देखिएगा। एक नंबर बना है चिकन और भात, आप लोग इस तरह जरूर बना के खा के देखिएगा। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बने रहिए विलेज कुकिंग एंड ब्लॉग के साथ। चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों ने बोला कि बहुत ही अच्छा बना है चिकन चावल सलाद, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको 2023।